हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न कैसे बनाएं और हम कैसे पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब काम शुरू करते हैं तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके दिमाग में रहते हैं कि पैटर्न बनाएं कैसे। और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया है, पैटर्न बनाने का सिंपल तरीका बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा एक सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप घर पर ही पैटर्न बना सकते हैं, आपको किसी से पैटर्न बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम नया काम स्टार्ट करते हैं, हम किसी के पास जाते हैं कि भाई पैटर्न बना दो हमें, तो वो पैटर्न बनाने से मना कर देता है, क्योंकि कोई भी अपने सीक्रेट चीज़ें किसी को देना नहीं चाहता है। अगर आप किसी पैटर्न मास्टर को बुलाते हैं तो भाई वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है आपके यहाँ आने का, 5,000-10,000 बहुत बहुत पैसे मांगते हैं पैटर्न मास्टर जो होते हैं। तो हम जो सिंपल तरीका बताएंगे उससे आप घर बैठे पैटर्न बना सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो अगर आपने नया सेटअप लगाया है या जो लोग भी नया सेटअप लगाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा पैटर्न कैसे बनाएं। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हो, चाहे वो लोअर हो, टी शर्ट हो, प्लाजो हो, लेगी हो, कुर्ती, कोई भी चीज़, आपको पैटर्न कैसे बनाना है, तो ये आपने सोच तो पहले रखा होगा मुझे कौन सी डिज़ाइन बनाना है और क्या आइटम बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लोअर का काम करना है, ठीक है, लोअर मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, वहाँ से एक सैंपल लेके आएंगे जिसका आपको ऑर्डर मिलता होगा। और ऑर्डर कैसे मिलते हैं, आप होलसेलर के पास जाएंगे, आपको वो सैंपल देगा कि आप ये आइटम हमें बना के दो, तो आपको इस तरीके का सैंपल देगा जो भी डिज़ाइन उसको बनवानी हो। तो दोस्तों, पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका मेज़रमेंट पूरा निकालेंगे, इसकी लंबाई नापेंगे, इसकी कमर नापेंगे, और इसकी ये लटक होती है, ये चीज़ लटक नापेंगे, मोरी नापेंगे, और इसकी थाइज़ नापेंगे, और उसको हम इस तरीके के पैटर्न पेपर पे उतार लेंगे। ठीक है, ये पैटर्न पेपर होता है दोस्तों, इस पर हम साइज़ मेज़रमेंट पूरा उतार लेंगे। ठीक है, फिर उतारने के बाद उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं, इसमें सारा मेज़रमेंट का खेल है। देखिए, जो लोग अगर इस लाइन में थोड़ा बहुत भी काम जानते हैं या फिर काम कर चुके हैं, तो वो इस तरीके से पैटर्न आराम से बना लेंगे। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, देखिए, इसकी लेंथ नापनी है, इसकी ये थाइज़ नापनी है, और ये लटक नापनी है, और इसकी मोरी नापनी है, कमर नापनी है, इसको उतार के पैटर्न पेपर पर हम पैटर्न आराम से बना लेंगे। और सेम पैटर्न बनाना होता है उसके लिए थोड़ा मेज़रमेंट करना होता है कि भाई कितना इसमें कट चुका है, वो जोड़ना होता है, क्योंकि ये ओवरलॉक मशीन से जब हम इसको सिलते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा कट जाता है, वो सारा मेज़रमेंट हमें करना पड़ता है, कितना कहाँ रखेंगे, कितना इंच कहाँ रखेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, ये तरीका सिंपल ही होता है, आप इस तरीके से अपने घर पे पैटर्न बना सकते हैं। तो अगर बिल्कुल आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल आप नए हैं, आप ए बी सी डी तक नहीं जानते हैं इस लाइन में, और आपने काम शुरू कर लिया, तो आप कैसे पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि ये तरीका जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं, वो इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं वो कैसे बनाएंगे, तो उनको करना क्या है, जो भी आइटम वो बनाना चाहते हैं तो उसका सैंपल वो मार्केट से लेके आएँ। ठीक है, लेके आके उसको खोल लें, पूरे पीस को खोल लें। देखिए इस तरीके से ये पीस है, ये हमने खोल रखा है पहले से ही, और इसको बिल्कुल हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये अलग कर लिया हमने, ये देखिए अलग कर लिया, और ये हो गया हमारा फ्रंट, ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट हो गया, और एक ये बैक हो गया। देखिए, लोवर में दो ही पैटर्न बनते हैं, एक बैक का बनता है और एक फ्रंट का बनता है। तो सबसे पहले जो हमें पैटर्न बनाना होता है वो फ्रंट का बनाना होता है, फ्रंट के ज़रिए से ही बैक का पैटर्न बनता है, क्योंकि जितना हम फ्रंट का पैटर्न बनाएंगे उससे एक एक इंच बाहर कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो वो बैक का पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको खोल लेना है, आप एक एक पार्ट्स भी खोल सकते हैं, बेल्ट अलग खोल सकते हैं, पॉकेट अलग खोल सकते हैं, ठीक है, और इसके चारों पल्ले अलग कर सकते हैं, और आपको दो पल्ले निकालने हैं। पहले आपको फ्रंट का पैटर्न बनाना है, करना क्या है, आपको इस तरीके का पैटर्न पेपर लेना है, आप इस तरीके का पैटर्न पेपर लेंगे और उस पर इसको रखेंगे, और आप निशान लगा लेंगे सब तरफ से। ठीक है, पूरा बराबर निशान लगाने के बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही काटें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जब इसकी सिलाई होती है तो ये 4 थ्रेड मशीन से
कटता हुआ चलता है, तो आपको क्या करना है, उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के चलना है इस पैटर्न पेपर में, तभी आपका पैटर्न इस सैंपल के बराबर आ पाएगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो लोग बिल्कुल नए हैं वो भी इस तरीके से पैटर्न काट सकते हैं। और आपको हर एक चीज़ का पैटर्न बना लेना है, जैसे पॉकेट का भी बना लेना है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी पॉकेट कितनी रखें, बेल्ट कितनी रखें, इन सारी चीज़ों का आपको पैटर्न बना लेना है, जिससे आपको आसानी होगी। हम सबसे यही कहते हैं दोस्तों, कॉपी मत करिए, आप खुद क्रिएट करना सीखिए। क्योंकि कॉपी करेंगे आप, किसी दूसरे से पैटर्न बनवा के ले आएंगे, उससे क्या होगा, आप फ्यूचर में भी पैटर्न नहीं बना पाएंगे। और आप खुद से क्रिएट करेंगे तो आप नई नई डिज़ाइनें बना सकते हैं। और डिज़ाइनें इनमें क्या होती हैं, ये साइड पॉकेट होती है, इस तरीके की पैटर्न बनानी पड़ती है हमें। बेल्ट सेम रहेगी जैसी इसमें है डी पॉकेट में, ठीक है, जैसी बेल्ट इसमें है, इसमें क्या है, ये डी पॉकेट हमने बना रखी है, और इसमें भी बेल्ट अलग से लगी हुई है, और इसमें हमने साइड चेन बना रखा है। ये डिज़ाइनें चलती हैं। बाकी देखिए इस तरीके की इलास्टिक चलती है, जैसे इलास्टिक इसमें अटैच है, ये कपड़ा इसमें ही अटैच है, तो इसका पैटर्न भी थोड़ा अलग रहता है इससे, लेकिन तरीका एक ही होता है पैटर्न बनाने का। तो आप खुद से क्रिएट करना सीखिए, क्योंकि अगर आप क्रिएट करना सीख जाएंगे तो फ्यूचर में आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन लोग खुद से पैटर्न बनाने से डरते हैं, आप डरिए नहीं, इस तरीके से पैटर्न बनाइए, ठीक है। पैटर्न बनाने के बाद उसी पैटर्न से आप सैंपल बनाइए, फिर देखिए जो सैंपल था आपके पास उसके बराबर आपका पैटर्न का बनाया हुआ सैंपल गिर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक बार ख़राब हो जाएगा पीस, दो बार ख़राब हो जाएगा पीस, तीसरी बार में आपका पीस बिल्कुल परफेक्ट गिरेगा, जो आपका सैंपल था उसके बराबर ही आपका पीस बन के तैयार होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।